रोल जो हम लोगों ने आपके यहाँ पे टीज़र पे देखा है, मैं कुछ सिर्फ एक्सपीरियंसेस चाहूँगी और एक ऐसी चीज़ जो आपको लगी ये मूवी में एकदम यूनिक है, आई हैव टू डू दिस रोल, कैन यू जस्ट शेयर दैट विद अस? ये मूवी पहले तो एक बड़े बहुत बड़े गट चाहिए बनाने के लिए, और एक बड़ी प्रेजेंट टाइम की मूवी है जो गवर्नमेंट अपनी आजकल ब्लैक मनी के ऊपर इतना प्रचार कर रही है उसके ऊपर ये है। और इस पिक्चर के रिलीज के बाद तो मुझे लगता है शायद रविंद्र जी को कहेंगे कि भाई टैक्स माफ के लिए करें, उसका टैक्स पिक्चर का माफ हो जाएगा लेकिन मैं अंदर जाऊँगा। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर एक तो जी हमारे दो तीन गुरु अंदर गए हुए हैं इस पिक्चर के बाद जो मैंने काम किया इसमें, उसमें शायद मुझे भी अंदर जाना पड़े, तो खैर वो एक पिक्चर की कामयाबी का एक नमूना होगा। और बहुत अच्छी फिल्म बनी है, मैं पिक्चर तो देखूंगा जरूर, और आप भी देखिए और आप लोगों की मदद चाहिए, ये बड़ी मेहनत और दिल खोल के बनाई गई है रविंद्र जी की तरफ से। वेपन ने बड़ा अच्छा काम किया है एज ए डायरेक्टर, ही इज डन ए ग्रेट जॉब, एंड ऑल द एक्टर आशुतोष इज वेरी गुड, ही इज माई चेला बट ही लुक्स लाइक माई गुरु इन द पिक्चर। सो वी एवरीबॉडी इज डन जॉब इज डैम गुड, द रजनीश कोर्स इज सुपर इन द फिल्म, एंड एवरीबॉडी इज गुड, एंड नाउ यू पीपल हैव टू कम पिक्चर सक्सेसफुल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच। वो डायरेक्टर का मीडियम होता है, और मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य हुआ कि विपिन ने मुझे ऐसा कैसे देखा, और इतने दुश्मन और संघर्ष की जैसी इंटेंस परफॉर्मेंस के बाद भी विपिन मुझे ऐसे ही देखते रहे, और इन्होंने मुझे बिल्लू कबूतर बना दिया, और या ये शायद बिल्लू कबूतर बनाना चाहते थे मुझे। लेकिन किसी भी एक्टर के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि वो उसको आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करने मिले। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि रविंद्र जी ने, विपिन ने, इन लोगों ने मुझे कुछ अलग चुनौतियाँ मेरे सामने दी। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत, क्योंकि ये सिर्फ 5 तारीख तक हमारा एक्सपीरियंस रहेगा, लेकिन जैसे ही 5 तारीख आएगी उसके बाद वो आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। तो गजी मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी, यू लुकिंग डैशिंग फर्स्टली, और हमें आपके काफ़ी रंग देखे मूवीज में, आई बिलीव यू वर स्विचिंग फ्रॉम रोल टू रोल, देयर वर डिफरेंट बॉडी लैंग्वेजेस, डिफरेंट क्लोथिंग स्टाइल, कैरेक्टराइजेशन, सो हाउ डिड यू प्रिपेयर योरसेल्फ टू स्विच फ्रॉम वन एंड जस्ट वन मूवी? जी फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग, एंड मैं पहले आई वुड लाइक टू ऐड टू आशुतोष सर्स कॉमेंट, क्योंकि जब मुझे विपिन जी ने कहानी सुनाई आई वॉज बोल्ड ओवर, मतलब मुझे लगा यार ये तो कमाल की है, मतलब इट्स अ फैबुलस एंटरटेनर, एंड देन ऑब्वियसली आई लव द आइडिया ऑफ प्लेइंग 5 डिफरेंट रोल्स, एंड उसके बाद जब मैंने उनसे वैसे ही पूछा तो उन्होंने नाम बताया कि आशुतोष सर, ये मतलब वो हैं, प्रेम जी हैं, तो मुझे लगा हाँ तो आशुतोष जी इंस्पेक्टर प्रे कर रहे हैं, या सीरियसली बिकॉज आई कुड इमेजिन हिम प्लेइंग सीरियसली, and then when he told me and then when I saw him, जब हमने एक पहला सीन किया I think उसके बाद it was crazy because we had a crazy, हम दोनों को ये करते हुए बहुत मजा आया, मुझे तो बहुत आया, I loved it, मतलब I loved the entire process of playing गुल्लू and बिल्लू, and उसके बाद obviously जैसे मेरे roles जो हैं वो different हैं, एक proper arrogant सा बॉम्बे का businessman है जो ज़्यादा बात नहीं करता, करता है तो बिल्कुल एक बैरी टोन में बात करेगा, and एक बॉम्बे का ही मतलब एंथनी टाइप लड़का जो गुल्लू है, सो ही इज, उसके पास हर ताले की चाबी है, एंड ही इज़ अ जुगाड़ू, तो वो है, फिर एक मराठी है, देन देयर आर हरियाणवी, सो देयर मतलब देयर वेरी लॉट ऑफ शेड्स, एंड ऑब्वियसली देयर इज लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम विपिन जी, इन्होंने पूरे कैरेक्टर्स प्रिपेयर किए होते हैं, फिर राइटर्स जो हैं विशाल, सो विशाल वॉज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल इन गेटिंग इन टू द स्किन ऑफ द मराठी कैरेक्टर, बिकॉज वो खुद भी यहीं के हैं, तो एक एक किरदार जो है वो आई वुड डेफिनेटली पुट द थिंग टू कि सब तरफ से मुझे बहुत अच्छी हेल्प मिल रही थी, लाइक सर वॉज गाइडिंग मी वेरी वेल, आशुतोष सर, देन देर वॉज विपिन जी, एंड जो क्रिएटिव इनपुट्स आ रहे थे फ्रॉम प्रेम सर एंड फ्रॉम रविंद्र जी वॉज ऑल्सो सुपर, तो एक ओवरऑल आप कह सकते हैं एक
teamwork जो इसमें गया है has been superb. Yeah. रोजमर्रा के किरदारों से जुड़ा हुआ है जो आजकल हो रहा है. बाबास जो कर रहे हैं उसी का ही सिमिलर करेक्टर है, उसी के ही लाइन पे ये करेक्टर है. तो डिटेल में बताने की ज़रूरत इसलिए नहीं है, जो उनका हशर हुआ है शायद इसका भी वही हशर होता है. कॉमेडी है, पिक्चर जिस तरीके से बनाई गई है, एक एंटरटेनिंग फिल्म जिस तरीके से बनाई गई है. हर कैरेक्टर ने अपना बड़ा मूवी काम किया है. जैसे कहा आशुतोष ने कि फिल्म वी नेवर मेड, वी कान मेक ए फिल्म इन आइसोलेशन, इट्स ए ग्रुप एक्टिविटी. तो ये सब मिलजुल के सबने फिल्म को एक ऐसी शक्ल दी है जो कि एक दिलचस्प प्रोडक्ट बन के आई. बाकी आप पिक्चर देखेंगे साहब, सराहेंगे, पसंद करेंगे, जजमेंट करेंगे, सब आपके ऊपर. थैंक यू. तरह का किरदार जी बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि जो जब हम लोग दर्शक हुआ करते थे और हम फिल्म देखते थे, और जो जिन भी लोगों को नेगेटिव रोल्स करने होते थे उन सब के ग्रुप प्रेम सर हुआ करते थे. और जो किसी भी व्यक्ति की जो रियल लाइफ एस्पिरेशन रहती है उसको अगर आपको रियल लाइफ में निभाने के लिए मिल जाए, तो इस उड़नछू जो फिल्म है उसमें हमारे गुरु मतलब हमारे किरदार का नाम है बीके भाई. वो बीके भाई के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन एक्चुअल उनका जो नाम है वो बिल्लू कबूतर है. तो वो नाम उनको ठीक नहीं लग रहा था, और समय के साथ उनका रुतबा बढ़ा और गुरु जी की कृपा से तो फिर उन्होंने बिल्लू कबूतर को बीके हो गए. और पूरी की पूरी जो बिल्लू कबूतर से बीके होने की जो यात्रा है, और फिर बीके से वापस बिल्लू कबूतर होने की जो पूरी यात्रा है, उसमें हमारे गुरुजी श्री रूपा जी का हाथ है. तो बहुत आनंद का विषय था. और इसमें एक सबसे अच्छी चीज़ जो इस पूरी फिल्म के दौरान मैंने सीखी, अभी तक क्या होता है कि एज एन एक्टर हर एक्टर अपना कैरेक्टर बनाने की कोशिश करता है. इस फिल्म में मुझे जो एक सीख प्रेम जी ये आज मैं शेयर कर रहा हूँ, प्रेम सर के जो पूरे के पूरे काम को करते हुए देखते हुए मुझे समझ में आई और जो हम लोगों ने इस फिल्म में अप्लाई की, वो ये थी कि हर एक्टर अपना कैरेक्टर नहीं बना रहा था, सामने वाला एक्टर सामने वाले का कैरेक्टर बना रहा था. तो वो जो एक चीज़ होती है कि जब आप रिएक्शन दे देते हैं तो एक्शन खुद ब खुद सुधर जाता है. तो उस उड़नछू की पूरी प्रक्रिया के दौरान विपिन ने इस पूरी की पूरी चीज़ में एक्शन की तरफ ध्यान नहीं दिया, उन्होंने रिएक्शंस को इतना खूबसूरती के साथ संभाला कि ऑटोमेटिकली हम सबके कैरेक्टर्स धीरे धीरे बनते चले गए. उड़नछू जो हमारी मूवी है वो कहते हैं ना कि गाड़ी बड़ी स्पीड ब्रेक पर चलते चलते एक फाइनल स्टेज पर ऐसी बनती है कि जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो उम्मीद नहीं थी. तो बिकॉज ऑफ आवर वेरी एक्सपीरियंस सीनियर आर्टिस्ट आशुतोष जी, प्रेम जी, रजनीश, अनिल जौहर जी, इन सब ने इतना बढ़िया काम किया है, और इनकी एक्टिंग की वजह से जो कैरेक्टर्स में जान पड़ गई है और मूवी में जान पड़ गई है, वो मूवी देखने के बाद आप लोग उसको ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे. और मुझे आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ये मूवी बहुत अच्छी चलेगी. आई थिंक मुझे पता था कि फिल्म पहले गौतम के पास आई थी, एंड देन सो ड्यूरिंग दैट टाइम जब ये पहले विपिन जी मेरे पास लाए थे और संदीप जो इसके EP हैं, तो दैट टाइम आई वॉज शूटिंग फॉर अनदर फिल्म. एंड उसके बाद मुझे सडनली सुनने में आया, पेपर में पढ़ा कि गौतम नाउ इज़ नॉट डूइंग द फिल्म. देन विपिन जी अगेन अप्रोच मी एंड देन ही टोल्ड मी कि ये कहानी है, एंड आई सेड सर आई वुड लव टू डू द फिल्म बट आपको इसको अप्रैल की जगह मई में करना पड़ेगा, मतलब एक महीना शिफ्ट करना पड़ेगा टू ताकि डेट सारी एडजस्ट हो जाए. एंड वंस ही केम ऑन देन आई एंड आप ये कोइंसिडेंस मानिए कि उसके बाद जब हम शूट पे जा रहे थे उसके लगभग 10 दिन के बाद मुझे गौतम एक फ्लाइट में मिले थे. तो हम दोनों जनरली बात कर रहे थे कि क्या यार, ही न्यू दैट आई एम डूइंग दिस फिल्म एंड आई न्यू दैट ही वॉज डूइंग अबाउट टू डू इट. तो हम दोनों की जनरली बात हुई थी, तो इसने कहा कि यार मुझे एक सीरियस सा हीरो टाइप का रोल करना था, एंड जिसमें एंड यहाँ पे ऑब्वियसली दिस इज़ अ रोल वे अगर 5 डिफरेंट रोल्स हैं तो कहीं पे वो जोकर प्ले कर रहा है, कहीं पे वो कुछ प्ले कर रहा है, कहीं पे वो पिट रहा है, कहीं पे वो तो इट्स नॉट अ वेरी हीरोइक रोल.
بٹ آج کی ڈیٹ میں اٹس ناٹ اباؤٹ دا ہیرو, اٹس دا کیریکٹر دیٹ یو پلینگ. سو دیٹس واٹ آئی واز لوکنگ فور. سو لکیلی آئی وڈ سے آئی گاٹ دس ایٹ دیٹ ٹائم. سر یو سیمس ٹو ا ویری یو نو نائس کائنڈ آف ا پرسن. سو نہیں آئی ایم دیئر سین ٹو گیٹ یہ پلیسمنٹ جو ہوتا ہے, واٹ از دا ریزن بیہائنڈ آل دیز تھنگز, کیوں کیوں ریپلیس کر دیا اندر کا تو مجھے نہیں پتا اب کیا ہوگا. مطلب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دیٹ وڈ بی بٹوین وپن پراشر, رویندر جی اینڈ گوتم. بٹ آل آئی کین سے آئی لائک دس اسکرپٹ. آئی لائک وپن پراشر کی جو وائف تھی وہ, اینڈ دین اس کے بعد مجھے لگا کہ یار یہ ایسا رول مجھے آئی شوڈ ڈو اٹ اینڈ آئی ٹوک اٹ آن. سو ایز دا کوسچن واز آسکڈ ریگارڈنگ یور یو نو گیٹنگ سکسیس ان انڈسٹری, ایسا جو آپ کو کام تو کافی مثالیں مل رہے ہیں, بٹ ہیو یو گاٹ دا سیٹسفیکشن فیکٹر کہ ہاں آپ کو وہ پرٹیکولر ایک رول یا پرٹیکولر ایک فلم وہ ملنی چاہیے جس میں آپ رول. مطلب آئی واٹ آئی لائک ٹو ڈو از آئی کیپ لائک ٹو ٹرائنگ اٹ اینڈ کیپ لائک مطلب آئی لائک ٹو ٹرائی ڈفرنٹ رولس اینڈ لکیلی ٹچ وڈ آئی ایم گیٹنگ اے لاٹ آف ڈفرنٹ ڈفرنٹ رولس. اینڈ کبھی بھی جب مجھے پرابلی ڈریم رول مل بھی جائے گا اس کے بعد بھی مجھے لگے گا یار ابھی اور بھی کرنا ہے, تو یہ تو لگتا ہی رہے گا. ایز این آرٹسٹ آپ کو آپ کی بھوک کبھی مٹنی بھی نہیں چاہیے, آپ کی جو اندر کی فائر ہوتی ہے نا اوبویسلی دا ریزلٹ از ناٹ ان آر ہینڈس اینڈ وی آل وانٹ کہ سب چیزیں چلیں, سبھی چیز چاہے ٹی وی ہو چاہے فلم ہو وہ ہٹ ہو, لیکن وہ سب تو از ناٹ ڈیفینیٹلی ناٹ ان اینی ونس. اینڈ بیسائیڈ دس پروجیکٹ یار دا نیکسٹ دیٹ آئی ایم ڈوئنگ از ا انٹائٹلڈ فلم. اٹس دا ٹینٹیٹیو ٹائٹل از پردے کے پیچھے, تو اس میں میں اور کرشنا ہیں. اٹس اے کامیڈی, اٹس این آؤٹ اینڈ آؤٹ کامیڈی فلم. جی میں اس فلم میں جو ہے ایگزیکٹو پروڈیوسر کے طور پہ جڑا ہوں, اور یہ فلم ہمارے پروڈیوسر صاحب نے, میں نے, ڈائریکٹر صاحب نے اور ہماری فلم کے ایکٹریس ہیں سائشہ سہگل, ہم چاروں نے اس کی نیو رکھی. اور پھر ہم نے کاسٹ کی تحقیقات تو نہیں کہہ سکتا, تلاش شروع کری کہ بھائی کس کیریکٹر کے لیے کون سا کاسٹ ضروری ہے. تو پھر سب نے مل کے جو ہے وہ کاسٹنگ بھی کری, لائک جو ڈائریکٹر ہیں ہمارے پروڈیوسر صاحب ہیں شری رویندر سنگھ جو اس فلم کے کریٹو ڈائریکٹر بھی ہیں, اور میں بھی پھر میرے پہچان کے جو جو میرے ایکٹرز تھے جو متر بھی ہیں جیسے آشوتوش جی ہیں, رجنیش دگل جی ہیں, انل جارج ہیں, برونا ہیں, تو یہ متر منڈلی ہے. سو متر منڈلی کو تھوڑا پوچھا میں نے کہ بھائی ہم لوگ یہ کر رہے ہیں, اور ان کو ٹاپک بہت اچھا لگا, کیریکٹرز بھی اترنگی تھے اور بہت اچھے لگے, تو دے ڈیسائیڈڈ کہ یار اس میں اس اسٹوری میں کچھ تو مزہ ہے, چلو کرتے ہیں. تو دین دس فلم اسٹارٹیڈ لائک دیٹ. اور ڈائریکٹر میں, پروڈیوسر ہیں ہمارے سائشہ سہگل جو ہیروئن ہیں وہ آج نہیں ہیں بائی چانس, وہ شوٹ کر رہی ہیں چنئی میں, اور برونا عبداللہ ہیں وہ علی باغ میں شوٹ کر رہی ہیں, تو ادروائز وہ لوگ ضرور ہوتی ہیں یہاں پہ. تو بٹ اب مجبوری ہے, ڈیٹ وہاں موسم ایسا ہو گیا, کل تھا آج پوسٹپون ہو گیا, بیکاز آف دیٹ دے کڈ ناٹ اٹینڈ دس. ادروائز دے آر آل آن فیس بک لائیو اینڈ آل کہ بھائی کیسا چل رہا ہے, کیا ہے, جسٹ ٹیل اس. یا پلیز گو اہیڈ. ایز اے ڈائریکٹر بھی آنے والے ہیں آپ, تو کتنے ایکسائٹیڈ ہیں اس پروجیکٹ کو لے کر, اور کچھ اگر تھوڑا سا گلمپس دینا چاہیے اس پروجیکٹ کا؟ ویل یہ پلیٹ فارم اس فلم کا ہے, تو اس بارے میں شاید میں بہت زیادہ نہیں بولوں گا, بس یا ابھی میں نے دو پروجیکٹ آلریڈی کمپلیٹ کر لیے ہیں ایز اے ڈائریکٹر, جس میں ایک میوزک ویڈیو ہے جو آلریڈی وائرل ہو رہا ہے جس کا نام ہے او دنیا کے رکھوالے, اور منوج باجپئی نے ٹویٹ بھی کیا ہے اس کے لیے, اور ابھی اور بھی ایکٹرز ہیں, ریمو ڈیسوزا صاحب اور بھی کئی نامچین کلاکار ہیں جو اس کو ٹویٹ کر رہے ہیں, اور وہ پرشن کے نام سے جو ہے وہ کیمپین ہے, اور اس میں محمد رفیع صاحب کا جو گانا ہے وہ دنیا کے رکھوالے بیجو باورا کا 1952 کا, سن 1952 کا, تو اس کا ہم نے ایک کور بنایا ہے, ایک ایکٹر ہیں ان کے ساتھ پرشانت کے ساتھ جی, تو وہ آلریڈی یوٹیوب پہ ہے, ڈیجیٹل پلیٹفارم پہ ہے, اور آج ایف ایم گولڈ میں 5 بجے سے لائیو انٹرویو بھی تھا ان کا, جہاں میں نہیں پہنچ پایا, مجھے جانا تھا, بٹ کیونکہ اس فلم میں بڑی محنت لگی ہے 2 سال سے 3 سال سے, تو میں نے تھوڑا پریفر کیا, وہ میرا ریڈیو کا پہلا انٹرویو تھا جو لائیو تھا, بٹ آئی ہیڈ ٹو میک اے چوائس. تو تھینک یو ویری مچ. ایک ہے جس کا ٹائٹل ابھی میں نہیں بتانا چاہوں گا, بس ہاں ایک کیمپین آنے والا ہے جس کا نام ہے #happylonar, اور دس
characters about being lonely or being alone or being a happy loner. और उसमें विदिता बाग हैं और प्रशांत भी हैं. बस इतना ही बताऊंगा. शूट कंप्लीट हो चुकी है, पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, फिल्म एडिट पे है अभी. अब बताओ, डायरेक्टर मैं कर रहा हूँ, उसको कर चुका हूँ, और जब तक फिल्म ऑन टेबल कटती नहीं है एडिट पे, तो शेप क्या लेती है वो देखते हैं. वो इश्का फिल्म्स ने किया है, जिन्होंने वेटिंग बनाई थी, अगर आपको याद हो, नसीर साहब और कल के क्वेश्चन, दे आर द प्रोड्यूसर्स. चलिए, थैंक यू वेरी मच.